हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया बहुत ही बढ़िया प्रैंक। और ये प्रैंक मैं अपनी वाइफ और उसके भाई यानी अपने छोटे साले पर करने वाला हूँ। वो कल ही आया घर पे। सो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना उन दोनों पर ही प्रैंक किया जाए। सो गाइस, मैं आज उन पर प्रैंक करने वाला हूँ। मैं उनसे बोलूँगा कि चलो हम झांसी महोत्सव घूमने चलते हैं। पहले उन्हें काफ़ी का मतलब तैयार वैयार करवा दूंगा और फिर बाद में गोली दे दूंगा। गोली का मतलब मना कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस देखते हैं वो लोग झांसी महोत्सव के नाम से कितना एक्साइटेड होते हैं। और देखो वीडियो देखो गाइस, बहुत मज़ा आएगा। क्या रिएक्शन आते हैं उनके, ठीक है। पहले तो मैं जब बोलूँगा कि चलो झांसी महोत्सव चलते हैं घूमने, तो तब क्या रिएक्शन आते हैं। और जब सारा तैयारी यार होने के बाद मैं कहूँगा मैं तो मजाक कर रहा था, और या कोई बहाना बना दूंगा कि यार मैं नहीं जा सकता है गाइस, तो फिर देखो क्या रिएक्शन आते हैं। तो गाइस पूरी वीडियो देखना, बहुत ही मस्त होने वाली है वीडियो। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में आपको। तो गाइस तब तक बाय बाय। गाइस अभी दोनों किचन में है, बहन भाई। बहन तो हमेशा किचन में रहती है, भाई भी किचन में ही है। तो गाइस देखते हैं कब तक आते हैं, जैसे ही आते हैं प्रैंक गुड भी करते हैं। A few moments later. देखते हैं गाइस कब तक आते हैं, काफ़ी देर हो गई वेट करते करते। गाइस आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, आवाज़ आ रही है आने की। क्या कर रहे हैं? अरे लेट हो गया आज खाना। अलग भाई मिर्ची कटवाए ना रहता ना। अरे राम, भगवान जब पेट कीने बनाओ। पेट कीने बना? आज तो अनिकेत भी तुम्हारी हेल्प करवा रहा है। तुम जैसे थोड़ी ना है, वो तो घर भी है, मैं हेल्प करवा। इतो मस्त तो हलवा बना दो सूजी को, एकदम खाता ही रह जाए। क्या? हाँ हलवा बना सूजी को, बहुत मस्त। तो खाता ही रह जाए? मतलब मुझे नहीं देना खाते ही। जेक मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो सी जे बोले ना कि खा के ये कहोगे कि और। हमें तो ये सही कहा, हमें नहीं है पता तुम्हारे तक कैसी का। हमारे तक तो कछु भी नहीं कहते। तुम्हारे तक तो पता नहीं उतार रहा है हमारी। तुम्हारे तो पता नहीं जाने का करते थे। नकले नहीं उतार रहा, बता रहा तुम कह रहे खाते ही रह जाए। तो मुझे मैं खाऊंगा तो भाई खाने के बाद कोई फायदा होने तो चाहिए। तुम कह रहे रह जाए रह जाए नहीं। तुम तो करो तो फालतू मिर्ची। कैंची से मिर्ची कटती? हम तो कैंची से काटो। सही है, कैंची से मिर्ची धनिया। अच्छा कैंची से बाल भी काटते? बाल भी काट लिया करो। घूमने चलना है तुम आ जाओ घूमने। सच में झांसी महोत्सव ये आया है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वैसे वैसे नहीं जाते सच में। अरे यानी के आया ना इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसको भी घुमा देंगे। अभी कभी गए हो तुम झांसी महोत्सव? देखो वो कभी भी नहीं गया। तुम गई हो? हाँ तुम भी नहीं गए फिर इसीलिए बोल। झांसी में कल है हमारी तो प्रतिपुर को ही हमें बहुत रहा। नहीं तो मैंने सोचा तुम प्रतिपुर जब वहाँ रहते थे तब आए हो, तो नहीं आए ना तुम भी। चलो चलते हैं, सच में बोल रहा हूँ भाई। अनु पता एक दो बार का करो, कह रहे चलो हम मन से तुम्हें कपड़ा दिला ले आए, जो पता हमें तैयार करवा दो। और फिर कह लगे हैं हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो देख एक बार ही किया था एक बार सिर्फ, ठीक है। तो हम तो भरोसा उठाओ, तुम झूठ नहीं बोला करो। एक बार किया था, और कितनी बार हम मॉल गए होंगे कपड़े लेने, वो नहीं बताओगे उसको? वो भी बता दो कि हम अनु इतनी बार। अच्छी चीजें को बता, अच्छी चीजें को बता, अच्छे इंसान बताते अच्छी चीजें, ठीक है। हम अच्छे हैं ही नहीं है, बद तुम्हें चेहरे से ही दिखता है। कहे लिखोगा? तुम तैयार हो जाओ अगर चलना है तो, दोनों हो जाओ तैयार। तुम सही कह रहे,
सच में यार पागल हो कैसी बात, उसके सामने क्यों मजाक करूंगा अभी मैं कहकर पैसा लग रहा है मजाक कर तो रही है। भाई उसके सामने क्यों करूंगा, हमारा आपस का चलता रहता है एक दूसरे से, बट उसके सामने उसको तो नहीं बनाऊंगा भाई, झूठ तो नहीं बोलूंगा उससे। हो जाओ खाओ माई कसम के चल रहा, तुम्हारी कसम। सब्जी काट ले, हाँ सब्जी काट ले, सब्जी बाद में काट लेना आके, ठीक है घूमने चलते हैं पहले। अन्नू पूछना मजाक अरे करना, यार मजाक नहीं कर रहा सच में, खाओ ठाकुर जी की कसम, ठाकुर जी की कसम मजाक नहीं कर रहा, सच में चलेंगे। हाँ सच में चलेंगे घूमने, काका दुआ आप बहुत होते हैं, जो तुम्हें पसंद आ जाए वो दुआ। सही में हाँ जो सही पसंद आ में जाए हमें, जो पसंद आ जाए। पैसे तुम्हें पता ही, अभी मैंने बताए थे तुम्हें, दोस्त से मिले हैं जो पैसे। सोच लियो हाँ बच्चा सोच ला यार, तुम कितनी अन्नू, बातें करती हो तुम भी यार। ले लियो खूब, हम अन्नू भी ले फिर, आओ तो जाओ ना, तुम तैयार हो यार, क्यों खामोखा का टाइम वेस्ट कर रही हो। अन्नू तो यहीं हो जाएगा, तुम दूसरे वाले रूम में हो जाओ जाके तैयार, ले जाओ कपड़े, ये वहीं रख देना, ये पहले किचन में रख के आओ और कपड़े ले जाओ फिर अपने, ये किचन में रखे आओ, अन्नू वो रखाएगा, तुम अपने कपड़े ले जाओ। ये मिर्ची तो ले जा, वो तो हम लाए यार, जो वाली साड़ी पहने हैं दिल्ली वाली, ठीक है। सही में तो मजाक तो नहीं कर रहा अरे है, मेरी माँ नहीं कर रहा, जाओ जल्दी हो जाते यार। सो गाइस देखो मैंने उनको तैयार होने के लिए भेज दिया है। मुझे भी बहुत हंसी आ रही, कितने एक्साइटेड हो गए ना जाने के लिए, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा क्योंकि एक दो बार मैं पहले भी उल्लू बना चुका हूँ। सो गाइस देखते हैं अब आगे क्या होता है, ठीक है गाइस। अरे अन्नू तुम यहीं कपड़े ले आओ ना अपने, तुम तो यहीं रखे तुम्हारे कपड़े, पहन लो कपड़े भाई, दीदी वहीं तैयार हो जाएंगी दूसरे रूम में। हाँ काय की हेल्प, अरे तो क्या हेल्प बताओ तो, आ रहा रुक जाओ। तो दीदी हमेशा टाइम लगाती है, अब अगर ज़्यादा लेट करोगे ना तो फिर नहीं जाएंगे, जल्दी कपड़े पहन लो। सुनाई दे रहा है, क्यों जल्दी पहन लो, नहीं तो फिर नहीं जाऊंगा मैं। हाँ तो जल्दी कर लो, जाना है तो। हो गए ज्यादा तैयार, तैयार नहीं यार, नहीं हो रखा है फालतू गोश्त से, थोड़ी ना कुछ हो गया वो, हो जाओ जल्दी। ओ मेरे भैया ये स्वेटर बहुत प्यारा है तुम्हें, जहां देखो जाइए यही पहन के जाते हैं। हाँ तो
अब जो की हो तुमने बहुत दबा दिया जैसे है। हाँ सही तो कह रहा है सर, अब तो मैं ही कह रही हूँ हम कहा। मैं तो कुछ नहीं दिला था तुम्हें सही में, वो तो बात सभी कहते हैं। मेरा फ्रेंड भी बताता, उसकी वाइफ भी यही कहती कि चाहे इतने कपड़े दिला दो, वो हमेशा यही कहती तुम क्या दिलाते हो। सभी औरतों की यही होती है आदत, हम तो बुरा है। तुम बुरा नहीं हो, आदत होती है, चाहे इतना दिला दो कभी नहीं कहती कि हाँ कुछ दिला। क्यों भाई, तो हम चाहे इतना काम भी तो करती तब कहते ही कि इतना काम कर लो, थोड़ा बैठ तो जाओ। घर का काम है, घर का काम तो हर कोई करता है, तो कौन नहीं करता है। तुम कैसी बात करते हो, तो दिलात को नहीं है, सब दिला दे। काय तो बोल भी दिया करो भाई, बोलो चल जल्दी कर लो यार। और कब पहनने, तो मैं मेगा ये कब तो तमाम है ही, हमें नहीं करना मेकअप, मेकअप सबेरे का से थोड़ी ना कर। होता शादी में जा रहे। हमें तो वैसे ही सिंपल रहे वो पसंद है। अन्य तुम तो दम से ली हो चीजें, अब क्या ये ना खाली क्यों दम से। हाँ तो ले लेना भाई, मैं मना कर रहा है क्या, बताओ जो उसको लेना हो। हद करती हो यार, हद को सारी है कि थोड़ी ना सूट है तनक में पहन ले। जहां से महोत्सव ही खत्म हो जाएगा जब तक तुम तैयार हो के। तुम मैं नहीं जा रहा अब, इतनी देर से इतना टाइम वेस्ट कर दिया, जब से कह रहा तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। कहाँ चलो सीधे, हम मैं ना सीधा जा रहा ना मैं टेढ़ा जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। काहे इतनी देर से बोल रहा तैयार हो जाओ जल्दी अच्छा, जल्दी, तो टाइम नहीं लगता ही कपड़ा पहन में मैं। इतना नहीं लगता ही, इतने टाइम में तो ये घर बन जाओ तो कोई बना दे। दिमाग तो सही है, दिमाग भी सही है मेरा। कही थी जी ये सही करते ही जी, काय सो ये हमारा सही वैसे ही करते, भरोसा। वो मोड़ा का सोच रहा हुई है, का सोच रहे हो, ये मोड़ा का सोच रहे हो, का मोड़ा ए सॉरी अनिकेत, तुम्हारे चक्कर में मैं भी मोड़ा बोलता। वो कुछ नहीं सोच रहा, वो तो देखो हंस रहा है हाँ तो वो बेचारा, कहाँ कहते तुम्हारे दिया हो तुम, जो 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 क्या उसको तो वो करे कितना भोला है ये, तो तुम कितनी चंट है। चंट। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, खुद ही बोल रही है चंट है। नहीं आ रहा है मैं यार देखो सही बताऊँ, मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं इसलिए मना कर रहा जाने के लिए कि इतनी देर से तुमसे बोल रहा, हो जाओ, अब मेरा मूड ही चेंज हो गया, अब मैं नहीं जाना चाहता बस। तुम अगर जल्दी तैयार हो जाते तो ठीक है, लेकिन अब पता हम पता जल्दी को हमने का कर ला, हमने अकेली साड़ी दो पैर ही उधर के तो मैं बहुत है खिसक जाए, फिर का हुई है दोनों ढंग से तो पैरते ही हुए का खिसक जाए, सॉरी साड़ी खिसक जाए तो सूट पहन लेते। सूट इतने अच्छे नहीं दवा दे तुमने, तुम्हें यार हद करती हो, इतना कुछ दिला दो फिर भी तुमने, जो नहीं दो वो नहीं दो, ये भगवान तुम्हें मॉल ही खुलवा देगा पूरा। तो भी कम पड़ जाए, दूसरा मॉल खुलवाना तुम पड़े। चल रहे नहीं, ड्रामा नहीं करो, मैं बहुत गुस्सा आ रही हूँ। मैं नहीं जा रहा, मेरी माँ माफ़ कर दो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी वैसे ही तबीयत खराब हो रही, फीवर आ गया मुझे, इतनी देर से तुम तैयार हो रहे, इतनी देर में मुझे फीवर आ गया, मैं नहीं जा रहा कहीं बस। देख लो अनिकेत गुस्सा तो नहीं है, बोले वो तो गुस्सा ही नहीं है अगर नहीं जा रहे तो। हाँ तो की जबरदस्ती है तुम पे, वो क्या कहते तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो कह तो सकता है कि चलो जीजू बोल दो, अगर वो कहेगा तो चलो तो फिर मैं चलूंगा, बोलो अब इनने कहा गई थी पलटू हो गए, वो तो बहुत बड़े बता पलटू हैं, तनक में पलट जा क्या क्या बता बता क्या कह रहा है, चलना है, है? नहीं जा रहा।
अभी कर लिए अपन तो बैठ के चलो जा बस में बैठ के चलो जा मौज सब बस में बैठ के जा वो तो अपने घर चलो जा वो नहीं रहना अरे घर पे मत भेजो पागल इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते अरे मजाक कर रहा था प्रैंक शूट कर रहा था सच में प्रैंक कर रहा था देखो सामने देखो देखो तुम भी देख लो ड्रेसिंग के पीछे है कैमरा तुमने मुझे उल्लू बनाया था मम्मी के सामने चल रहा है लेकिन अपन चल रहा है कसम से प्रैंक शूट कर लिया मैंने लेकिन हम महोत्सव चल रहे हैं ठीक है उठा लो कपड़े अरे तुम्हारी कसम चल रहा मेरी माँ उठाओ भगवान कसम चल रहा हूँ भगवान कसम उठाओ उठाओ सो गाइज आप वीडियो देख नहीं है ना मैं छोड़ के कह दे हम नहीं जा रहे लौट लो अब तो चल पागल तो गाइज आप वीडियो देख चुके हैं मैंने इन्हें पहले उल्लू बनाया अब मैं इनको सरप्राइज दूंगा गाइज हम जा रहे हैं झांसी महोत्सव घूमने ठीक है गाइज बस मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इन पर प्रैंक भी कर दूँ वैसे मेरा मूड था जाने का और इन्हें घुमाने का पहले से ही था ठीक है गाइज सो गाइज अब मिलते हैं वीडियो के लास्ट में अब हम जाएंगे झांसी महोत्सव घूमने ओके गाइज बाय बाय सो गाइज आप देख सकते हैं तैयार हो चुके हैं हम लोग अब जा रहे हैं घूमने इनको परेशान किया कितना इनको भी कितना परेशान किया कहाँ जा रहे हो घूमने ये मम्मी बैठी है मेरी ये मेरे बड़े भैया की लड़की अबनी 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 तो गाइस मिलते हैं बाद में मैडम कैसा लग रहा है घूमने जाने में अच्छा लग रहा है काफी परेशान कर करके कम से कम ले आया काफी परेशान कर करके ले आया सो हेलो गाइस फाइनली हम घूमने जा रहे हैं झांसी महोत्सव ये बैठी है पीछे आपकी भाभी ये उनका भैया और आप मुझे जानते हैं और ये मेरा भतीजा जो ड्राइविंग कर रहा है यहाँ मत देखो भाई सो हम लोग घूमने जा रहे हैं फाइनली इतना परेशान करने के बाद इसको सो गाइज अब मिलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ओके गाइज बाय बाय हाय गाइस तो फाइनली मैंने इसको घुमा दिया है ये मेरा फ्रेंड है आयान और इसको तो आप जानते ही हो गाइस आप हमेशा कहते थे भाभी को घुमाओ तो आज घुमा दिया ठीक है गाइस आप कोई शिकायत नहीं रहेगी मेरे से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है बाय बाय गाइज मैंने इसको यहाँ जहाँ इस महोत्सव में जितने भी झूले हैं ना मैंने सारे झूलों पे कहा कि इस पे झूलना है इसने सारा मना कर दिया और पता क्या बोल रहे हैं मुझे इस पे झूलना है
बोले मुझे इस पे झूलना है और इसी पे मुझे बाइक चलानी है। अब आप बताइए इसको ये चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। चला लो शर्म नहीं आती। गाइज ये देखिए पैसे जोड़ने के लिए गुल्लक ली जा रही है। अब वो ही बैठ के खड़े हो जाओ। ले लो देखिए गाइज PNB बैंक SBI सभी बैंक हैं यहाँ। जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। बहन भाई अभी घर घर से वो कच्छप चलानी है जो बताया तो है उनके पास से। सो गाइज फाइनली ये घूम के आ चुकी हैं झांसी महोत्सव। ये देखिए झांसी महोत्सव से क्या क्या लेके आई हैं भाभी जी। आपकी भाभी जी बताइए। बहाना मुझे सबसे ज़्यादा एक टेबल लैंप पसंद आया। सबसे पहले तो पहले मैंने इसको खरीदा, फिर इसके बाद मैंने जितनी गुल्लक भी ली जो मुझे बहुत पसंद आई। चलो ठीक है बाकी कुछ नहीं जानना है, बाकी जल्दी जल्दी सामान दिखा दो। छोटी छोटी चीजें और जो तीन तरह मुझे पसंद आई हैं अच्छे पैसे से मिल गई थी तो तीन तरह लेके आई। ओके बाय गाइस।